अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको दिखाऊंगा अपना सनकनोर का सेटअप। यहाँ पर आपको मैं पहले ये आपको थोड़ा सा बाहर से दिखा देता हूँ। ये केजेस बने हुए हैं यहाँ पर, और इसमें हमारे पास रिंग नेक भी हैं, और इसके अलावा यहाँ पर खड़े हुए हैं सनकनोर। और चलकर आपको सनकनोर दिखाऊंगा। हमारे पास सनकनोर हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जिसमें है जेंटा कनोर, पाइनएप्पल कनोर और आम कनोर भी हैं, जो कि ग्रीन कनोर भी कहते हैं, वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। और चलते हैं अब खेत की जानिब, अंदर चलेंगे और चलकर आपको मैं दिखाता हूँ अंदर से। कनोर के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ, इनकी जो ब्रीड है वो आती रहती है तकरीबन साल में, सिर्फ गर्मियों के 2-3 माह नहीं आती, उसके अलावा जो है वो हमारे पास आती रहती है। इनके भी हमने केजी वगैरह जो हैं अब तैयार कर लिए हैं, और बॉक्सिस में हमने लगाया है क्यूपैक पाउडर लगा कर इनको साफ करके हमने भी छोड़ दिया है। ये है कि अंदर से हमने इनको अभी तक बंद किया हुआ है, इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे फ्रेश बूरा, और फिर जो है इनको इंशाल्लाह ताला हम ब्रीड के लिए इनके हवाले कर देंगे ये बॉक्सेस। तो चलते हैं, सबसे पहले मैं चलकर आपको ये दिखाता हूँ अपने सनकनोर का। ये माशाल्लाह ये देखेंगे, ये हैं हमारे पास सनकनोर। माशाल्लाह सनकनोर भी हमारे पास जो हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के सनकनोर हैं। ये हैं रेड फैक्टर में, ये आप माशाल्लाह देख सकते हैं रेड फैक्टर में सनकनोर हैं, बहुत ही आला क्वालिटी के। आप साल में इनकी जो है 10 महीने ब्रीड ले सकते हैं, गर्मियों के सख्त गर्मियों में 2 माह छोड़ के। और ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा शौक कैंसल बर्ड है, शोर करता है इसको, लेकिन जहाँ पर भी आप लगाएं, ऐसी जगह पर हो जहाँ पर आपकी आमदोरफ बहुत कम हो, तो वहाँ पर ये जो है ना ज़्यादा अच्छे रहते हैं, और ब्रीड भी वहीं करते हैं ज़्यादा। सनकनोर के फीमेल जो है ये तकरीबन 4 से 5 अंडे एवरेज जो है इतनी होती है, काफ़ी ऐसी होती हैं, अच्छी फीमेल भी होती हैं जो 6-7 अंडे दे देती हैं, लेकिन जो आम हैं वो 4 से 5 अंडे इनके एक नॉर्मली आ जाते हैं। ब्रीड के हिसाब से ये काफ़ी फास्ट है, इनकी ब्रीड माशाल्लाह काफ़ी आती है, और जितने भी पैरेट्स हैं उनमें ये ब्रीड के हवाले से सबसे आगे है सनकनोर। ये जो हमारे पास पेयर है इसमें एक पीस सनकनोर का और एक जेंटाई कनोर, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेल है और इसको जो फीमेल है वो हमने सनकनोर की दी हुई है, ये फीमेल है। माशाल्लाह कनोर की एक अच्छी खासी वैरायटी है, मुख्तलिफ कनोर रखे हुए हैं, ये भी आपने बहुत कम देखा होगा। सनकनोर का पीस है, इसका हमने पेयर बना के लगाया हुआ है, और ये हमारा ब्रीडर पेयर है। पिछले सीज़न में इसके माशाल्लाह हमारे पास अच्छी तादाद में ब्रीड आई है। खाने में इसको भी हम जो है पहले टाइम में फर्स्ट टाइम जो है इनको चने गंदम और इसमें मक्की है ये रात को भिगो के रख देते हैं वो देते हैं, और नहायत ही शौक से खाते हैं। इसके अलावा हम इनको देते हैं दाना, जो कि मुख्तलिफ बीजेस के मिक्सचर है, खुद ही तैयार करते हैं हम, ये बाज़ार से बना बनाया नहीं लेते। कोशिश करते हैं कि गर्मी और सर्दियों में इनको
मुख्तलिफ दाना देते हैं ताकि गर्मियों में जो है उसमें हम काफ़ी बीजेज ऐसे इस्तेमाल करते हैं जो कि ठंडे होते हैं, और सर्दियों में काफ़ी ऐसे बीजेज का इस्तेमाल कराते हैं जो कि गर्म होते हैं। इसके अलावा जितने भी मौसमी फल हैं ये नहायत ही शौक से खाते हैं, इसमें अमरूद है और आजकल बेर भी आए हुए हैं, बेरी भी नहायत ही शौक के साथ खाते हैं, और मकाई का छिट्टा इनकी पसंदीदा खुराकों में पसंद है। सनकनोरों को ही सनफ्लावर का बीज नहायत ही शौक के साथ खाते हैं। ये आपको अब दिखा रहे हैं, इसमें हमारे पास है पाइन एप्पल कनोर का पीस और दूसरा है हमारे पास ब्लू कनोर। माशाल्लाह ये ब्रीडर पेयर है, ये इसको हमने खुद ही इनके दो कलर मुख्तलिफ लगाए हैं ताकि इनका हम रिजल्ट लें। एक न्यू कलर के चक्कर में है कि इनमें नई चीज़ ली जाए, म्यूटेशन तैयार की जाए। आपको ये दिखाता हूँ, ये है फीमेल है, ये आपको मेल दिखा देता हूँ, ये हमने मेल लगाया इसका, और जो भी रिजल्ट आएगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मुख्तलिफ वैरायटी है जिसमें आपको ये जो आप दिखा रहा हूँ ये भी हमारा ब्रीडर पेयर, आप कोई भी बर्ड्स रखें इसके लिए ये है कि आपका जो केज है जो उसे देते हैं वो हवादार होना चाहिए, प्लस ये है कि ये स्टिक के ऊपर बैठना पसंद करते हैं इसीलिए केज में एक अदद आप स्टिक लगाएंगे लाजमी दें। और ये हमने बॉक्स लगाया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ, ये अंदर से आने की जगह है और ये बाहर बॉक्स, में जब सख्त गर्मियाँ थी इनके बॉक्सेस ये है कि अंदर से इनके वो हमने बंद कर दिए थे जहाँ से ये अंदर से बॉक्स में आ सकते थे, और अब इनके बॉक्सेस के हम ये खोलते जा रहे हैं ताकि ये फिर से बॉक्सेस में आना जाना शुरू करें। अब क्योंकि मौसम काफ़ी चेंज होता जा रहा है इसलिए हम चाह रहे हैं कि ये फिर से ब्रीड के लिए रेडी हो जाएं। सख्त गर्मियों में कोशिश करनी चाहिए कि इनसे ब्रीड ना लें आप, इनके बॉक्स के अंदर बैठते हैं, गर्मी होती है, हवस होती है, तो इसके साथ इनको ज़ाया होने का ख़तरा होता है। काफ़ी बर्ड्स को मुख्तलिफ बीमारियाँ या ज़्यादातर को टेम्परेचर हो जाता है, इससे बचाव के लिए ज़रूरी है कि आप एक तो हवादार कमरा, दूसरा ये है कि इनको जो पानी दें, ख़ास तौर पर गर्मियों में तो वो आप इनको मिट्टी के बर्तन में दें। ये आपको तो अब दिखा रहा हूँ, ये ग्रीन कनोर आम कनोर जिन्हें कहा जाता है, ये ब्रीड के बहुत ज़बरदस्त होते हैं, इनकी ब्रीड माशाल्लाह बड़ी अच्छी आती है, एक बार अपने केज में जहाँ पर आप जाके लगाते हैं जस्ट हो जाएं, फिर इनसे आप ब्रीड जितनी चीज चाहे दें। इनकी पहचान मेल फीमेल की वैसे तो अपने हम मुख्तलिफ तजर्बों से भी कर लेते हैं, इनके जोड़ चेक कर इससे भी की जा सकती है, लेकिन 100% जो परफेक्ट है वो इनकी डीएनए के साथ ही पता चल सकता है कि ये मेल है और फीमेल है। आप जो आपको वैरायटी दिखाने जा रहा हूँ ये देखें कनोर, माशाल्लाह कैसी वैरायटी है हमारे पास, बहुत ज़बरदस्त कलरों में एक नई वैरायटी, नई मोटिशन मुख्तलिफ कनोर के मिलाप से तैयार हुई है, ये रिजल्ट आया है, ये फीमेल है और ये इसके साथ ग्रीन कनोर, ये मेल है। ऐसे है कि जैसे ही इनके ब्रीड का मौसम शुरू हो इनके लिए आप लाजमी है कि इनको मल्टीविटामिन का इस्तेमाल कराएं और वैक्सीन भी मस्त है कि आप इनकी वैक्सीन
मतवातर करें, जैसे ही इनके एक शेड्यूल बनाएं उस शेड्यूल के मुताबिक जो है आप इनकी वैक्सीन भी करें। कल अच्छी बारिश आई थी और आज थोड़ी हवस है और गर्मी थोड़े से बर्स बता रहे हैं कि इनको आज गर्मी लगी हुई है। जैसे ही गर्मी है इसमें ज़रूरी है कि आप इनको ORS वाला पानी दें और इसके साथ ही आप अगर दो दिन ORS वाला पानी देते हैं तो अगले दो दिन में आप इनको देंगे ग्लूकोज वाला पानी। शेड्यूल बना लें कि आपने हफ्ते में दो दिन ORS वाला पानी दे दें और दो दिन जाके आप देंगे ग्लूकोज वाला पानी। वो इनके लिए बहुत ज़रूरी है इनको गर्मी से बचाव के लिए लाजमी देना चाहिए। ये आज हमने आपको कनोर की वैरायटी दिखाई है, मुख्तलिफ कनोर थे जिनमें हमारे पास पाइनएप्पल कनोर, क्रीम कनोर, सन कनोर, जेंटाई कनोर, मुख्तलिफ कनोर दिखाए आज की वीडियो में। अब आज की वीडियो के एंड में चलकर मैं आपको दिखाऊंगा हमारे पास मूंग रखे हुए हैं, मूंग के मुख्तलिफ वैरायटी है। चलते हैं और आपको दिखाते हैं मूंग। अब हम वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आपको मूंग के भी हमारे पास मुख्तलिफ वैरायटी है। ये बिल्कुल आउट कंडीशन में इस वक्त ये फ्रिज पे लगा हुआ है हमारा पेयर मुकम्मल फ्रिज पे, और जैसे ये फ्रिज मुकम्मल करके हटेगा साथ ही ये ब्रीड के लिए रेडी। मूंग भी ब्रीड के हवाले से बहुत अच्छा है, खाने में इसको फरूट बहुत ज़्यादा पसंद करता है जिसमें अमरूद से नाशपाती खुमानी ये इसकी पसंदीदा चीज़ें हैं। इसके अलावा ये जो पसंद करता है वो है मकाई का सिट्टा और बेर। तो ये अब जो दिखा रहे हैं ये मूंग, हमारे पास मूंग के मुख्तलिफ वैरायटी है। आगे चलेंगे मज़ीद आपको आगे चलकर दिखाते हैं। ये भी हमारा ब्रीडर पेयर है और अब आपको दिखा रहे हैं जो मूंग का पेयर, इसमें हमने दो कलरों का मिलाप बनाया है, इसमें एक है वाइट एक है येलो। माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त हमारा ब्रीडर पेयर है जो है हमारे पास। येलो में ये है फीमेल और जो वाइट है ये मेल है। ये हमारा मेल, रेड आई और ये फीमेल, ये भी येलो कलर रेड आईज। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और खूबसूरत पेयर है हमारा। आज की वीडियो का यहीं पर इख्तिताम करेंगे। जाने से पहले मैं खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन दोस्तों का जो हमें आउट ऑफ कंट्री से हमें मैसेज करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, जिनमें USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और हमारे इंडिया के काफ़ी दोस्त हैं। उनका स्पेशली तौर पर थैंक्स बोलूँगा उन्हें। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को पुश कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो बआसानी मिल सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।